ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. Sir, how can you PM is speaking, Home Minister speaking, you are not telling this. You are only advising LOP, sir. How can it be? How can it be, sir? मैं तो सबसे ही अपेक्षा, आप बैठ जाइए. आप किसने कहा? प्लीज बैठिए. पाइप ऑफ ऑर्डर जानते हो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? प्लीज बैठो. तुम्हारे नेता बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर. प्लीज स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज बैठिए. एक स्पीकर सर, सर ये जो लोग, ये दो जो दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर. इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं. सर इनके पास हिंदुस्तान का पूरा धन का मोनोपोली है सर. सर इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है. तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं. इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर. अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर. हमें तो बोलना है. अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें. आपको संसदीय कार्य मंत्री जी, प्लीज प्लीज. नो नो, आई एम नॉट यील्डिंग. सदस्य आपको नहीं बोलने देना चाहते. सर डिस्टर्बेंस वो कर रहे हैं. सर आई अंडरस्टैंड, बैठ के टिप्पणी कर रहे हैं. सर मैं समझता हूं, एक मिनट, वो बैठ कर टिप्पणी कर रहे हैं. कोई सदस्य खड़ा है, यही आपको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं सबसे ज्यादा. सर राहुल गांधी जी, प्लीज आपको नहीं बोलना है. प्लीज राहुल गांधी. स्पीकर सर मैं बात समझता हूँ. प्लीज एक मिनट प्लीज. स्पीकर सर मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और अंबा, सॉरी A1 एंड A2 की रक्षा करनी है. मैं समझता हूं, नो प्रॉब्लम. वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर. सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर. मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. सर ही इज परमिटेड टू डिफेंड देम सर. इट इज अ डेमोक्रेसी सर. ही कैन डिफेंड. वी अलाउ हिम टू डिफेंड देम सर. ऐसा होता है क्या? A1 एंड A2 सर. आपके सदस्य हैप्पीली सर. माननीय आपके सदस्य आज बैठे बैठे बहुत टिप्पणी. सो वी आर हैप्पी सर. इफ द मिनिस्टर इज प्रोटेक्टिंग A1 एंड A2 सर, इट हेल्प्स अस ओनली सर. नो प्रॉब्लम. वी लाइक इट सर. प्लीज डू इट अगेन सर. प्लीज डू इट अगेन सर. आई गिव यू द फेस. मैं तो एक व्यवस्था का बात करना था. So we are happy, sir. If the minister is protecting A1 and A2, sir, it helps us only, sir. No problem.
सर प्लीज डू इट अगेन सर गिव मी द स्पेस मैं तो एक व्यवस्था का बात करना था फिर शुरू हो गया मैं सर संसदीय कार्य मंत्री जी व्यवस्था तहत मैं सिर्फ जब परिस्थिति बने उसमें कहने के लिए मैं खड़ा हूँ परमिशन से खड़ा हुआ बिल्कुल सही बोला मैंने व्यवस्था तहत सर उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया सर एक मिनट स्पीकर सर एक मिनट ठीक है सर मैं स्पीकर का परमिशन से खड़ा हुआ बिल्कुल सही बोला आपने कहा मैं ये मैंने नहीं नहीं किया मैंने जबरदस्ती नहीं बोला आप बोल रहे हो मैं स्पीकर साहब से परमिशन लिया आप बोल रहे हो सर साहब ने मेरा नाम लिया बोल रहे हो आपने ये नहीं किया तभी मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी को पूरा भाषण तक आपने डिस्टर्ब किया बोलने नहीं दिया आज हम आपको यील्ड मांग रहे हैं 10 सेकंड टाइम आप बोल रहे हैं कि हम यील्ड नहीं करेंगे ये कौन सा परंपरा है मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ मैं तो नियम के तहत बोल रहा हूँ और स्पीकर का परमिशन से खड़ा हुआ हूँ ये एक परंपरा होता है एक दूसरे का इज्जत देना होता है इतना तो कर्टसी होना होता है राहुल जी सर 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 आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट सर if when we raise our hand and ask for the prime minister and the ministers to yield they yield we will yield every time yes the moment you yield I guarantee you we will yield in fact I am ready speaker sir I am ready देखिए आप सभी सभी लोग आप प्रतिपक्ष के नेता को डिस्टर्बेंस कर रहे हैं और मैं आपको बार बार आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं और वेणुगोपाल जी सब जहाँ डिस्टर्बेंस कर रहे हैं आप नोट कर लीजिए ये योजना देश में स्पीकर सर देश में अब ये कौन कर रहा है तकरीबन 73% दलित आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है स्ट्रेंथ है और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है इनको कॉरपोरेट इंडिया में जगह नहीं मिलती है इनको सरकारों में जगह नहीं मिलती है ये देखिए सर एक ये फोटो देखिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्रतिपक्ष एक मिनट एक मिनट मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं संवैधानिक दायित्वों पर हैं क्या सर ओके एक और फोटो दिखा रहा हूँ एक फोटो दिखा रहा हूँ एक मिनट आपने टीवी ऑफ कर दिया सर नो टीवी कोई ऑफ नहीं है वो देखिए सर ऑफ हो गया मेरा फोटो दिखा कोई नहीं ऑफ था सर ऑफ है सर नो सर दिखाइए सर एक ऑफ है सर नो आप टीवी ऑफ कर लेते हो प्लीज आप बैठिए एक बार सुनिए ओके सर नहीं नहीं आप अपोलोजाइज सर नहीं नहीं नो अपोलोजाइज मैं आपको अपोलोजाइज के लिए दिखे रहा आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर ये देखिए सर बंद होगी आप सदन की मर्यादा को रहे सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर वो हटवा देखो आगे क्या डर रहे हैं सर फोटो से शिव जी के फोटो से डरते हैं सर इस फोटो से डरते हैं पोस्टर नहीं आने दूंगा गलत तरीका है नहीं आने देंगे पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में सर गलत तरीका है सर फोटो दिखाना गलत नहीं है सर आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ नियम के तहत मैं समझाना चाह रहा हूँ नियम के तहत परमिशन नहीं है मान्य अच्छा सर मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर ये बट रहा है
और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ दो हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। yes. और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं। क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग। और बटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख, फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है। इससे देश बदल जाएगा। सर आपको, सर ये जो कमल सर जो पद्मव्यूह वाले हैं, उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है सर। जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है, ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया, मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। सर मैं, अरे सर इसमें क्या गलती है सर? एक बात बताइए, सर तो जो पद्मवी वाले लोग हैं सर, जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं, उनको हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझ आया। हिंसा नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है, चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है, हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। मान्य सदस्य आप जानते हो, हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप? चेयर को एड्रेस, मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर, शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघ में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं,
हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हटाया हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो।